महाराजगंज क्षेत्र के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के फवाजपुर में नहर के बांध टूटने से किसानों के खेतों से लेकर आम जनता के घरों में पानी घुसने के बाद ग्रामीण बचाव में सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर गए। वहीं कुछ दिनों बाद किसानों को धान की रोपनी भी करनी है, ऐसे में किसान काफी परेशान नजर आ रहा है। फवाजपुर में गंडक नदी से जुड़ा नहर का बांध टूट गया, जिससे दर्जनों घरों में गंडक का पानी घुस गया। गांव का करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया। नहर के बांध टूटने की खबर से ग्रामीण में हड़कंप मच गया। अचानक नहर का पानी गांव में प्रवेश करने लगा और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। पानी का प्रवाह तवज होने के कारण देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ रिक्त भूमि जलमग्न हो गई। किसानों को मालूम चला कि मदारपुर सिकटिया के बीच फवासपुर में नहर के दक्षिणी किनारे का बांध टूट गया है। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक पानी 30 से 40 घरों में प्रवेश कर गया। करीब 1 किलोमीटर दूर तक खेतों में 3-4 फीट पानी जमा हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को घटना की सूचना दी। बताते चले कि नहर गोपालगंज से मदारपुर होते हुए सारण में प्रवेश करता है। 13 तारीख को जो है कि बांध जो पानी नहीं ना सुनिए ना सर, 13 तारीख को जो है कि पानी छोड़ा गया और आज जो है कि लकड़ी नवीगंज के खवासपुर में बांध टूट गया। इसमें क्या कहेंगे, जो भी अगर लोग बोल रहा है कि हाँ सेंध मार दिया गया, कोई बोला है सेंध मार दिया गया, कोई बोला है कि नहीं साहिल के सेंध मारने से जो है कि बांध टूट गया, इसमें क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं ब्रजेश कुमार सिंह SDO हूँ और ये जो टूटा है रेड फॉक्स से टूटा है या फिर फॉक्स जो है उसके कारण से मतलब मिट्टी जो है सब फंसा गया। और ये करीब जो मुझे खबर मिला था सुबह 7 बजे के करीब, तो मैं यहाँ सुबह सर आपको 7 बजे सुबह में खबर मिलती है, कितने बजे पहुँच गए हैं? हम आधे घंटे तुरंत पहुँच गए जी। अच्छा सर, यहाँ पर बनवाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ पे मिट्टी का बैग जैसे भरवाया जा रहा है और बांस कटवा कर कंट्रोल हो जाएगा। हाँ कंट्रोल सर, यहाँ पे कुछ लोगों की क्षति भी हुई है? नहीं क्षति पे कुछ नहीं, बस खेत में ऐसे पानी ही है और किसी जान माल का कुछ नहीं। सर मानसून से पहले ये बाढ़ की तरह एक बहाव चल गया? नहीं नहीं, पानी तो जैसे देखिए सूखा था, हम लोग 10 दिन पहले ही पानी मंगवाए थे। एक्चुअली 20 तारीख करीब आता था, पर इस बार 13 तारीख को ही आ गया था, पर अब ऐसा सिचुएशन को उम्मीद नहीं था लेकिन हो गया। सर यहाँ पर बंधवाने के लिए आप काफी यहाँ पर मिट्टी उट्टी की व्यवस्था कर दी, लेबर वेबर सभी लोग आ गए हैं जी? आप जैसे भी लगाए कार्रवाई करवा रहे हैं, कुछ मतलब 2-3 घंटे में हो जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है ताकि बाहरी लोग ना आए। धन्यवाद।